नमस्कार, मैं वेद प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं बी फिल्म सिस्टम मीडिया। भैया, इन दिनों कोई भी फिल्में थिएटर में नहीं रिलीज हो रही, कोविड की वजह से फिल्में थिएटर्स में नहीं रिलीज हो रही। इन दिनों वेब सीरीज का ज़माना है और फिल्में अगर रिलीज हो रही हैं तो अमेजोन, जी फाई ऐसे प्लेटफॉर्म पर, OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही हैं। इन दिनों फिल्म का एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ जिसका नाम है 36 फार्म हाउस। वो ट्रेलर मैंने देख लिया और मुझे बहुत ही मज़ा आया, तो मैंने सोचा कि आपको बता दें, और इस बताने के साथ आपको बता भी ये भी दें कि भैया इसका इंतज़ार क्यों किया जाए, कि भैया जब ये फिल्म रिलीज़ होगी, ये जनवरी में रिलीज़ होगी, तो उसको हम देखने के लिए रेडी रहेंगे। वैसे आपको बता दें, 36 फार्म हाउस है क्या एक्चुअल में। 36 फार्म हाउस एक सिंपल सी स्टोरी है। एक नानी रहती है जो 36 एकड़ की ज़मीन रहती है और उनका एक फार्म हाउस रहता है जो कि वो उनकी डेथ होने वाली रहती है, उसी के लिए बहुत सारे उनके पोते पोती और भी नौकर नौकरानी सब ऐसे लोग रहते हैं ताकि एक दूसरे को सब आ जाते हैं, और ये रहता है कि कब नानी मरे और उनकी प्रॉपर्टी हमें मिले। इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी है। इसमें संजय मिश्रा हैं, उनकी कमाल की कॉमेडी भरी बातें भी इस फिल्म में देखने को मिलेगी। ट्रेलर भी आप अगर देखेंगे तो ट्रेलर में आपको बीच बीच में हंसाते हुए नजर आते रहेंगे। हर एक कैरेक्टर ऐसा है कि कभी सीरियस रहता है, कभी मजाक आता है, कभी सीरियस रहता है, कभी मजाक आता है। आपको कॉन्स्टेंटली ऐसे नहीं कि ये सीन देखकर एकदम सीरियस हो जाना है फिर कुछ टाइम बाद मजाक आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप जैसे ही सीरियस होते रहते हैं वैसे ही एक मजाक वाला पाशा आ जाता है जिस वजह से आप मुस्कुराने लगते हैं। हर सीन एक तरीके से सेट किया गया है जिस वजह से आदमी एंटरटेन हो सके। 36 फार्म हाउस का ट्रेलर रिलीज था, तो ये सब थी सारी बातें इसकी फिल्म की कहानी। और फिल्म के एक्टिंग की बात करें तो सारे एक्टर A to Z, सबसे बेहतरीन कास्टिंग हुई है, क्योंकि संजय मिश्रा की जो मेन लीड में हैं, संजय मिश्रा कि उनकी मतलब उनके उनके रहने से कितना इफेक्ट पड़ता है कहानी पे, कोई भी स्टोरी हो, वो जब रहते हैं लोगों को हंसाते हैं रहते हैं, कभी भी उनकी कोई भी बात भी कहती हैं तो ऐसा लगता है हाँ सीरियसली कह रहे हैं। तो इस फिल्म में भी वो अपने किरदार को बहुत बखूबी निभा रहे हैं और हर एक कैरेक्टर अपने आप में बहुत उम्दा तरीके से अपने किरदार को निभा रहा है। रही बात नानी की, नानी की बात ये है कि नानी एक बूढ़ी की तरह है, उनका रोल कुछ नहीं है, बस वो सब देख रही हैं और सब लोग आ रहे हैं और सबको बुला रही हैं, रह रही नानी को एंड तक ये नहीं पता चलता कि सब लोग किस लिए आ रहे हैं। धीरे धीरे यही बात होती है और सबको प्रॉपर्टी चाहिए रहती है और हाल फिलहाल एंड दी एंड नानी को पता चल ही जाता है, ऐसा ट्रेलर में दिखाया गया। अभी क्या कुछ इंसिडेंट होगा ये तो जब फिल्म रिलीज़ होगी तब हम आपको बताएंगे और तब हमें पता चलेगा, तो रिव्यू लेकर आएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे आगे क्या कुछ होगा। अभी ट्रेलर, लेकिन जिस तरीके से ट्रेलर काटा है ऐसा लग रहा है कि पूरी फिल्म की कहानी हमें पता चल जा रही है एक्चुअल में कहानी क्या है। लेकिन कहानी हमें पता चलने के बाद भी अगर संजय मिश्रा के आप फैन हैं, उनकी कॉमेडी उनकी एक्टिंग के आप पसंदीदा उनके एक्टिंग को पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म को ज़रूर देखें। और इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिनकी आप और फिल्मों में देखेंगे, एक दो सीन या साइड को एक्टर करते हैं, लीड एक्टर भी इस फिल्म में नज़र आएंगे अच्छे अच्छे, उनके कुछ किरदार अहम होंगे, वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी जो आप फिल्म का वेट कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट होने के लिए। और जिस तरीके कोविड बढ़ रहा है और फिल्में नहीं देखने को मिल रही है तो फ़ोन पर Zee5 पर रिलीज़ होगी। Zee5 पे ये ट्रेलर भी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। जब फिल्म आएगी तो हम ज़रूर लेकर आएंगे। देखते रहिए बी फिल्म सिस्टम मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।